हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सासवी की ओडिसी द फेट ऑफ द अटलांटिस एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अटलांटिस के गेट को खोलने के बाद हम पहुंच चुके हैं द अंडरवर्ल्ड एलिजियम में, जहां हमारी मुलाकात होती है हेडीज की वाइफ पेरिसफोनिस से, जो कि इस पूरे वर्ल्ड पर राज करती है। और हम मिलते हैं एडोनिस नाम के आदमी से, जो कि इस जगह से निकलना चाहता है और हम भी इस जगह से निकलना चाहते हैं। उसके लिए हमें पेरिसफोनिस के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन्हें ख़त्म करने, उसके ओवरसीयर्स को ख़त्म करने। तो हम गए एडोनिस का टास्क करने के लिए, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं पेरिसफोनिस के एक एडवाइज़र हेकाटे से मिलने के लिए। तो चलते हैं। ओहो, पेरिसफोनी यहीं पे है। लो, तो ये दोनों यहाँ पे हैं। While his boat floated away from him down the Eridan River in pieces. I'd give my sharpest bronze dagger to see that silly human trying to leave Elysium on a felucca. Have you visited my mother recently and given her my love? भाई, ये Elysium से निकलना बहुत मुश्किल है, ये लोग जाने ही नहीं देंगे हमको। Well, I'd better get back. Elysium won't rule itself. Do keep an eye out for me. I sense trouble brewing in paradise. ओके, तो पेरिसफोनिस को कुछ आभास हुआ है कि उसके खिलाफ कुछ हो रहा है यहाँ पे, और उसने अपने एडवाइजर को लगा दिया नजर रखने के लिए, जबकि एडवाइजर हमारे साथ मिली हुई है। अभी तो यही लगता है वो खुद चाहती है कि पेरिसफोनिस से कंट्रोल कम हो जाए यहाँ से। Did you really think word wouldn't get out that you're in collusion with Elysium's pretty boy, Adonis? तो इसको पता है कि एडोनिस के साथ मिल चुके हैं अपन। Unfortunately, no one passes through the gate to the underworld without Persephone's permission, which she has never given, ever. Luckily for you, as the goddess of crossroads and keys, locked doors happen to be my specialty. Are you saying you can get me through the gate? I'm saying I can help you bypass Persephone. तो ये हमारी हेल्प कर सकती है पर्सिफोनिस को झांसा देकर यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि बिना पर्सिफोनिस की परमिशन के हम इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा पाएंगे। From what I just saw, you're pretty close. कहीं यही तो हमको धोखा नहीं दे रही है? Why would you want to work against her? वही तो। I'm not asking for your blind trust. Let me prove our goals align. This unlocks the door to Persephone's hidden sanctuary. Oh. She keeps all of her most intimate possessions there. Stowed away from her husband. Hades. Among her treasures is a journal rumored to contain information you desperately need about the gate. Bring it to me as soon as you can. I'll go get the journal. The sooner you bring me it, the closer you are to leaving Elysium. Don't waste any time. Okay, Persephone, Queen of the Underworld. तो ये है हेकाटे, पर्सिफोनी की एडवाइज़र, और इसने हमें एक चाबी दी है पर्सिफोनिस की किसी खास जगह की, जहां वो अपने सिर्फ खास चीज़ों को रखती है। वहां पे हमें एक जनरल मिलेगा जिसमें रास्ता दिया है इस जगह से बाहर निकलने का, तो वो हमें इसे ला कर देना है। चलते हैं, कहीं हमें फंसा तो नहीं दिए कहीं पर। खैर, वो तो वहाँ जा कर ही पता चलेगा। चलते सीधा। ओ भाई, इसका पैर है, ये मूर्ति है, कोई आदमी है, क्या है, कोई इंसान, कोई देवता, नहीं पता। खैर छोड़ो इसे, हम जा रहे हैं गयाया अंडरपास। पहुंच गए, यही है वो सेंचुरी जहां हमें ख़ास चीज़ें मिलेंगी पर्सिफोनिस की, और उनमें से हमें एक जनरल निकालना है। चार ट्रेजर्स हैं यहां पे। एक सेकंड, बुलाते ही करो उसका। चलो चलते हैं फिर अंदर, बढ़ते हैं अंदर सीधा। ट्रैप वगैरह लगे हुए हैं यहाँ भी, ये तो बंद है, यहीं से चलते हैं। अरे, मसाल वगैरह नहीं है क्या यहाँ पे रोशनी करने के लिए? कोई मसाल नहीं है। यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं? ये है रास्ता। ओके, इसे हटाना पड़ेगा।
चलो अब बन गया होगा रास्ता, ये है, इनको फोड़ना जरूरी है, इनके पीछे भी रास्ते रहते हैं। खैर अभी यहाँ तो नहीं है कोई। पहला ट्रेजर इजू वैनगार्ड ग्रीव्स, बढ़ते रहो आगे। ये रहा मसाल, जला दे भाई, रोशनी तो हो कम से कम। ये टूटेगी, एक सेकंड, यहाँ पहले से आग जल रही है, कोई आया था क्या यहाँ पे? यहाँ शायद कोई आ रखा है पहले से। इजू वार्डन, समथिंग्स ब्लॉकिंग दिस, कुछ ब्लॉक कर रहे, पीछे से हटाना पड़ेगा इसे। चलो एक सेकंड, वहां से ढकेल रहा था, ये शायद ब्लॉक कर रहे हैं, हटाओ इसे। अब इसको बढ़िया, चलो हो गया, बढ़ो आगे। Let's see if a Kathy's key works. Then find that journal. तो ये की यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी की, और यहाँ पेरिस फोनी से कुछ खास चीजें रखी हुई हैं, जिसमें से हमें मिलेगा जर्नल उसके। दो ट्रेजर सभी और बचे ही हुए हैं यहाँ के। एक्सप्लोरेशन एरिया, ये है। This journal is missing pages. Hope Akati still wants it. चलो तो ये पूरी जनरल नहीं है, मतलब इस जनरल में कुछ पेजेस मिसिंग है, शायद हर कहते को यही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। ऑलराइट, तो आ गए अपन बाहर। एक मार्बल मेडन है यहाँ पे। I should watch my step around here. डिस्ट्रॉय करना है इसको। चलो आराम से आराम से आराम से, यहीं पे है ये। एक बार में मरेगा कि नहीं? अबे कहाँ जा रहा है? अटैक, ये लो भाई मूर्तियां जग गई। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, लो वो गायब गायब होना चालू हो गया इसके। ले बस, एक दो शॉट और गया, खत्म। लूटो इस जगह को। चाहे वो मूर्ति तोड़नी है हमें। लोकेशन कंप्लीटेड, चलते हैं वापस। ओके दोस्तों, तो पहुंच गए अपन हेकाटे के पास। अपने पास है वो जनरल पेरिफोनिस का। I'm not sure how stealing Persephone's journal will help me open the gate to the underworld, but here it is. Stealing Persephone's journal wouldn't help us. तो क्यों चोरी करवाया भाई हमसे? Stealing the journal that belonged to the gate's locksmith will. ओके, तो ये जनरल the locksmith. यहाँ के उस दरवाजे के ताला बनाने वाले का है। It doesn't say. Looks like a lot of pages were torn out. Now be quiet while I read. चलो ठीक है, पढ़ने दो इसे। तो well, that was illuminating. तो पढ़ लिया लगता है इसने, कुछ आया समझ में। So, what does it say? Oh, so eager. बिल्कुल। The location of the gate is not revealed.
But so long as Persephone controls Elysium, you need her permission to pass through it, which you will never get. वो तो पता है हमें. परमिशन चाहिए पेरिफोनिस की यहाँ से निकलने के लिए. You need to undermine her influence any way you can. And how do you suggest I do that? Your alliance with Adonis is a good start. His head-on tactics are a little obvious for my taste, but in time, he will wear down Persephone's forces. What about our alliance? Where do you come in? I know all of Persephone's weaknesses, and I'll direct you to them when the time is right. तो Persephone के सारे वीकनेस को जानती है ये, और समय आने पर यही बताएगी हमें उसके बारे में. Hermes. Learn to use that staff. You'll need a divine weapon in the land of gods. तब तक हमें हर्मिस के साथ रहना पड़ेगा और जो स्टाफ है हमारे पास उसका यूज सीखना पड़ेगा. और एडोनिस के साथ जो हमारा अलायंस हुआ है वो भी बढ़िया है. चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे. ओके दोस्तों, एक और मार्बल मेडन ट्रिब्यूट पे पहुंच गए अपन. यहाँ भी एक स्टैचू होगी Persephone's की जिसे हमें तोड़ना है. चलते हैं आराम से. वो आ रहा है एक सोल्जर. आने दो, लगा जल्दी. ये क्या था यार, मारा क्यों इसे? ये स्टैचू वाले बहुत मुश्किल से मरते हैं. लो वो दूसरा आ रहा है. एक तो गया. ये दूसरा स्टैचू. क्या था भाई, बचा मैं और ये नहीं बचेगा. गया. चलो स्टैचू तोड़ो. टूट गई. तो लोकेशन कंप्लीटेड. अब बढ़ते हैं आगे. तो दोस्तों अपन जा रहे हैं अब Persephone's एक्रोपोलिस Persephone's से मिलने के लिए. लेवल 74 पे. तो Persephone's से काफ़ी सारे मेडन ट्रिब्यूट्स हमने तोड़ दिए हैं, उसकी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है और उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है. तो हम सीधा उससे मिलने जा रहे हैं. चलते हैं उसके शहर, उसके महल. न्यू लोकेशन डिस्कवर्ड, साइन ऑफ स्टैलियन. तो हम मिलने जा रहे हैं Persephone's से, Persephone's से उसके एक्रोपोलिस. अब वो ऊपर में बसा हुआ है तो उसके लिए हमें ये विंग ऑफ Hermes का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सीधा हमें नीचे से ऊपर टेलीपोर्ट कर देगा. चलते हैं. Persephone's एक्रोपोलिस. अब भाई क्या आलीशान जगह है, देख रहे हो इस जगह को, बेहतरीन. के दोस्तों तो उसके महल के दरवाजे पर पहुंच गए अपन. 5 मिनट लग गया मुझे वहां से यहां आने में. खैर कोई बात नहीं, पहुंच तो चुके हैं हम. सीधा Persephone's से ही मिलना है हमें, लेकिन उससे पहले एक सिंक्रोनाइज कर लेते हैं यहां पे. लो भाई देख लो, यहां की क्वीन का महल है. चारों तरफ वाटरफॉल है. फासा पॉइंट कहते हैं इसे. सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट. अब चलते हैं क्वीन से मिलने सीधा.
भाई क्या भव्य महल है इसके, सोने सोने जड़े हुए पूरे। और ये रही है। I didn't get a good enough look at you back there. Now I see why my guards had trouble with you. Well, they weren't exactly easy. I'm sure they aren't what mortals like you are used to. You must be someone special. बिल्कुल, I am flattered. पहले तो हमें मारना चाह रही थी, अब इतनी तारीफ कर रही है ये। Thank you, Your Majesty. A simple Persephone will do just fine in my realm. Formalities are for the boring. Isn't that what they say? So Elysium belongs to you. Yep, पूरा एलिसियम इसी का है। After the rude introduction I gave you, I can't blame you for not knowing. Let me apologize. Ross can attest. Usually he's the one that does the biting. इसके पालतू कुत्ते। He would want you to forgive me too. Tell me your name. Let's begin again. On the right foot this time. चलो ठीक है, इस बार अच्छे से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाए। I forgive. I'll think about it. I tend to take attacks against me personally. I understand your mistrust, but I want to be friends. This place is paradise, after all. There's no room for enemies. This place is beautiful. भाई वो तो है यार, ये जगह तो बहुत सुंदर है। Then I give you my official welcome, Alexios. Let me tell you what's customary around here. This place is mine. I know every flower, every face. I alone let them in. But there's something here I don't want. तो भाई ये पूरी जगह इसी की है और इसी की मर्जी चलती है यहाँ पे, इसी की मर्जी से लोग यहाँ से आते हैं और जाते हैं। And it belongs to Hades. If it gets to him that his wife stole one of his immortal mounts, it'll be a disaster. But I didn't steal it. I won't go near the things. They brought me down here in the first place. No, someone wants me to look bad, and I need that horse gone. Okay, तो इसके पास हेडीज का एक घोड़ा है जो कि खुद ब खुद आ गया है इसके पास। अब ये चाहते हैं कि हम उसे ठिकाने लगाए, वरना अगर हेडीज को लगा कि इसने उसे चुराया तो तबाही मचा देगा वो। The Hades. Yep, यमराज है वहाँ का। Take it, you aren't a happy couple. He's tried. इसकी वाइफ है भाई, हेडीज की है। With me, but what can he expect out of a prisoner? Love? That's just stuff of legend. Who would frame you? वैसे इसे फंसाएगा कौन? You think someone would do this to you? कोई है क्या जो इसके खिलाफ? Highly unlikely the thing got in here on its own. I have to remember Elysium is my paradise, not everyone else's. ये क्षत्र राज चला रही है ये यहाँ पे। I'll see if I can find the horse for you. What does it look like? You'll know it when you see it, trust me. Not only is the beast immortal, but he is terrifying. Horses don't scare me. Has anyone seen him lately? I heard screams coming from the Asphodel Arboretum. Perhaps he's scaring civilians. Bring it to my stable boy, the jockey of Artemision. He'll know how to send it galloping back to the nightmare it came from. चलो तो हमें हेडीज का घोड़ा लाना है और उसे यहाँ के जॉकी के पास दे देना है, वो उसे वापस भेज देगा हेडीज के पास। तो बिना किसी प्रॉब्लम के चलते अपन बढ़ते हैं आगे घोड़े को लाने के लिए। ओके दोस्तों, तो अपन पहुँच चुके हैं और वो घोड़ा यहीं पे है, एस्फोडल आर्बोरेटम में। एक सेकंड भाई, ये भाग कहाँ रहे हैं लोग? ये सब घोड़े से डर कर भाग रहे हैं लगता है। चलो एक लोकेशन भी है वैसे, ये एक कैप्टन, एक वो टॉर्च है, एक एनिग्माटा स्ट्राका और दो ट्रेजर है। लोकेशन कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं उस घोड़े को लाने। तो भाई वो जो घोड़ा है वो हेडीज का घोड़ा है और पर्सिफोनी ने कहा था देखते ही पहचान जाओगे उसको, इतना भयानक है वो। तो उसे लाना तो पड़ेगा ही और उसे जाकर छोड़ना है यहाँ के अस्तबल में, ताकि वो सही सलामत घोड़े को हेडीज तक पहुँचा सके। वरना हेडीज को अगर पता ऐसा लगा कि पर्सिफोनी उसे चुरा कर लाई है यहाँ, तो तबाही मचा देगा वो पूरी जगह पे। Yeah.
आ जाओ। कैप्टन तो गया। लो भाई आ गए वो लाइन से एक एक करके सबके सब। बरसा दिया आसमानी बिजलियां। कोई बात नहीं अपन भी कम नहीं है। ले चलो बढ़ो आगे। ये पहला ट्रेजर। आ जाओ पता चल गया इन लोगों को। Come on. लगा जल्दी। बच गया ये। ओहो भाई ले। ओ भाई स्टैचू भी है यहाँ पे। जिंदा हो गया स्टैचू। कहाँ है? अरे बेहतरीन। ऐसे नहीं मानेगा ये। हैवी ब्लंट था। गलत मार दिया मैंने। अरे यार ऐन वक्त पे गायब हुआ ये। अरे कैसा लगा? ओहो टुकड़े। एक बेचारा आया जी पे खड़ा है यहाँ पे। आई एम यस मी। कहाँ गया वो? मर गया। चलो छोड़ो उसे। ओ बहुत हो गया अब। आओ जल्दी। ओह काफी तबाही मच गई यहाँ पे। खैर बढ़ते हैं आगे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? और कौन है? स्टैचू है ये तो। आखिरी शॉट। चलो बढ़ो आगे। ये है वो टॉर्च। इसे डिस्ट्रॉय करना है हमें। गई नीचे आ। एक ट्रेजर और बचे। तो ये रहा आखिरी ट्रेजर यहाँ का। इसके बाद लोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलो सारे गार्ड्स को ख़त्म कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं आगे। बस एक ये बचा है और ये भी गया। चलो अब चलते हैं और फैनिस उस घोड़े के पास।
ओके तो ये रास्ता अंदर जाने का, बढ़िया। कोई गेट नहीं है यहाँ पे, सब सारे गेट बंद है। साइड से एक खिड़की खुली हुई है बस। सारे गार्ड से हमने ख़त्म कर दिया, लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। बस ये घोड़ा बचा है जिसे हमें लेकर जाना है वापस और छोड़ना है यहाँ के जॉकी के पास। ओ भाई ये रहा घोड़ा, देख रहे हो उसको, लाल आंखें, डोंट कम एनी क्लोजर, पूरा स्याह रंग का है। स्केयरिंग माय हॉर्स, ही इज जस्ट अ जेंटल क्रीचर। हैव यू सीन योर हॉर्स? द अदर्स रन अवे स्क्रीमिंग। इसको देखकर भाग गए भाई आधे लोग यहां से। टू सी व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। ऑफ कोर्स आई हैवंट सीन। ये अंधा है, इसने तो कभी देखा ही नहीं है घोड़े को। आई एम सॉरी, दीस आर हार्ड टाइम्स। आई एम अफ्रेड आई वोंट मेक देम एनी इजीियर। I have to take that horse from you. You can't. First Persephone takes my sight, and then you take Orphe. Our friendship was instant. I heard the neigh of a fierce horse. I approached him, unafraid, and he licked my palm. Okay, तो ये घोड़ा खुद ब खुद इसके पास आया। ये इसने नहीं उठाया इस घोड़े को। ये घोड़ा शायद इसे पसंद करता है, क्या पता, इसलिए इसके पास आ गया। He's not supposed to be in Elysium. बिल्कुल। Are any of us? यहाँ के लायक नहीं है, इसे वापस हेडीज के पास भेजना पड़ेगा। Only deceit. Have pity. Let him stay with me. अरे भाई, क्या कर रहे हैं अब? You can keep the horse. It has to go back to Hades. Little do you know that this is Hades' horse. हेडीज का घोड़ा है। Going back to him. I don't care. I would risk even Hades' punishment for Orphe. Mark my words, I won't forget this. क्या बात है, आगे चल के बदला तो नहीं लेगा कहीं हमसे। माउंट द हॉर्स, चलो पीछे लेकर चलना है। क्या कहते हैं यहाँ के जॉकी के पास। You are one impressive beast. I need to take this horse to either Adonis or to the stable boy. या तो हम इसे एडोनिस के पास ले जा सकते हैं या तो स्टेबल। ओके दोस्तों, जैसा हमने पेरिसिफोनीस को वादा किया था, हम ये घोड़े को वापस यहाँ स्टैलियन में ले आए हैं। और ये अब सारे घोड़े डरने लग गए इसे देख के। हर कोई देख रहे हो भाग गया, हेडीज का जो घोड़ा है ये। यहाँ का जॉकी है। He's a special horse and belongs to Hades. That's who he needs to return to. Persephone told me you could get him there. It's because Persephone knows I can ride any horse anywhere. I'll take it from here. Oh, बच्चे काफी तेज है, अच्छा खासा घुड़सवार लगता है। चलो तो return to Persephone, वापस चलते हैं उसके पास अब। के पहुंच गया अपन उसे आलीशान महल में। Good news, I take it. बिल्कुल। तो जैसा कि इसने कहा था, हमने घोड़े को सही सलामत स्टेबल छोड़ दिया यहाँ पे। अब सब वो स्टेबल वाले के ऊपर। ये क्या हुआ भाई? You have no idea the trouble you've saved me. You've earned my favor. ओ भाई साहब, और फैनिस का स्किन मिल गया हमें, बहुत बढ़िया, डार्क हाउस। चलो तो बढ़ते हैं आगे। द कीपर एंड द की मेकर, तो हमें बात करनी है अब हरमीस से। चलते हैं मिनोस फेथ में, उसने हमें बुलाया था। ओ एक और मार्बल मेडन ट्रिब्यूट है यहाँ पे। आराम से, मूर्तियां नहीं जगनी चाहिए, जग गई। लो भाई, हो गया तमाशा। यही तो नहीं चाहिए था, जितना इससे असली करो उतना बढ़िया है। अब आप इससे बचना नामुमकिन है। चल हट गया ये,
ओ भाई एक और मूर्ति है यहाँ पे। हाँ हमेशा दो रहती है। और क्या है, कुछ है वो रहा एक ट्रेजर। लोकेशन कंप्लीट, ट्रेजर लूटो। चलो हर्मिस से पास। तो हर्मिस वर्कशॉप पहुंच गए अपन। एक ट्रेजर है यहाँ पे उतने ऊपर। क्या जगह है भाई ये रहा। You again? Yes. Keeper, you found my workshop after all. बिल्कुल। I know it may not look like much, but it's तो ये इसकी वर्कशॉप है। I told you, you can call me Alexios. In front of the staff? Pa. But I'm glad you came. There's much to show you in this great land. Okay, तो क्या टूर देना चाहता है क्या हमें? If you're offering, I could use some help getting my bearings. Oh, give yourself time. The golden fields reveal themselves slowly and selectively, but I can help. Walk with me. Chalo. Maybe you're right. I need to clear my head. Where to? I consider myself a keymaker. One of my keys might interest you. What do you do in your workshop? Invent. All of reality's secrets are hidden behind doors. Off we go. Act as keys to unlock those doors. ये की बनाता है, इन्वेंटर है यहाँ का, नई नई चीजें बनाता है ये। और ये हमें कुछ दिखाने ले जा रहे हैं, लगता है इस जगह का टूर करवा रहे हैं हमें। Persephone's first key. If only you could have seen it when it was new. It seems like most of Elysium is in ruins. What happened? This place is beautiful, as are all of Persephone's creations. But it is a world that changes at her whims. When I see decay, I know she needs us at her side more than ever. Okay, the pahla keep hai Persephone ka. Off we go now. Dionysian hemicycle. Easy now. Come on. ये दूसरी जगह। The heroes who have passed through those golden fields, basking in the glory of eternal peace, each thinking they'd see nothing more beautiful, only then to set eyes on Persephone. जितने भी हीरोज हैं, जो भी मारे गए हैं, सब इस जगह से होकर गुजरे हैं और Persephone से सब एडमायर हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। उससे ज्यादा सुंदर चीज कुछ नहीं मिला उसे, उन लोगों को। Come on. आराम से। Look there, keeper. That encampment is the site where Hephaestus built a home for Aphrodite. Doesn't look like much now. क्या बात है, अफ्रोदिति का घर है वो, सामने दिख रहा है जो। Child Adonis. His ability to wreak havoc with a wink and a smile is second to none. Okay. Yeah. और कितनी जगह घुमाएगा भाई ये? पूरा एलिजियम घुमा देगा कि ये राजी। रुइंस ऑफ रेडामेंटोस, लूट ट्रेजर, ट्रेजर्स हैं यहाँ पे। कहाँ है भाई ट्रेजर? Consider it our secret. The keymaker and the staff keeper, friends bound by mysteries. अच्छा। Find and retrieve the keeper's insight. All right. तो यहाँ एक keeper's insight है। एक और।
ऊपर जाना है हमें, चलते हैं। चढ़ूं कैसे इसमें? हाँ चढ़ रहे चढ़ रहे, चढ़ जा मेरे शेर, मेरे भालू, मेरे चीते, छिपकली की तरह, तेंदुए की तरह। ओ कितना ऊंचा है, अरे बाप रे। तो ये रहा एक हर्मी स्विंग, ये हमें पहुंचाएगा ऊपर तक। आ गए ऊपर, अभी और वहां जाना है हमें सामने के, यहां से वहां जाना है। बढ़िया भाई, काफी ज्यादा पेचीदा है यहाँ पे जगह, कहीं यहां से वहां पूरा ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं बस। इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाई है, बिना आप हर्मी स्विंग के चढ़ ही नहीं पाओगे इतना लंबा। अब कैसे करना है? वहां एक ट्रेजर है, वो ले लेते पहले। आराम से यहां गिरे मतलब वापस फिर से शुरू करना पड़ जाएगा। ऐसे नहीं, हटाना पड़ेगा इसे। यहां नहीं जा रहे ये। अब हट जाएगी ये। चलो दो ट्रेजर हो गया यहाँ का, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ का तीसरा ट्रेजर, तीसरा और आखिरी, लोकेशन कंप्लीट। अब चलते कीपर इनसाइड के पास। भाई एक एक कदम यहाँ सोच समझ के रखना, यहाँ से गिरे मतलब फिर से चढ़ना पड़ेगा पूरा वापस। बस पहुँचने ही वाले अपन, और ये पहुँच गए। एक सेकंड, ये क्या था? अच्छा कूदना पड़ेगा यहाँ से। पहुंच गए भाई, क्या जगह है ये, खतरनाक और सुंदर। चलो एरिस बोल चार्ज, गैदरिंग स्ट्रेंथ, कलेक्ट ऑल द कीपर इनसाइट इन एपिसोड 1। तो जितने भी इस एपिसोड के कीपर्स इनसाइट थे सब पा लिए हमने। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। अरे एक सेकंड यार, ये कहाँ फंस गया मैं? ये लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं था मुझे। क्या घंटियां बजने लग गई हैं यहाँ पे अचानक से। आ जा बूम, बचा मैं। तेज हो रहा है। अब इतना लंबा ये तो पकड़ा इसने, कहाँ गया? अबे कहाँ गया? ओ भाई ले,
गया ये। क्रॉस नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं, अपन चलते हैं हर्मिस से वापस मिलने। ओके, कूदो इस पे, काफी नीचे तक जाना है हमें। चलते रहो। ओ भाई, ओ पहुंच गए अपन हर्मिस के पास। और उसके सारे कीपर इनसाइड हमने ले लिए हैं। What happened to me in there? Imagine for a moment, inside you, inside all of us, are parchments twisting like ribbon. On those parchments is written the story of who you are, who you were, and who you will become. Does that make sense? I understand. So this twisting ribbon defines each of us, and what happened in there changed what defines me. You understand? With these keys, you can unlock the secrets inside you and wrest control from them. I've built many. Thank you. वहाँ जो हुआ उसने हमारे अंदर की जो ताकत, छुपी हुई ताकत को जगाया है और नॉलेज को। Well, I hope it's a long time before I meet him here. I'll leave you to your adventuring. You're welcome to come back to my workshop anytime. Kiare, Hermes. Kiare, Hermes. तो भाई हम कभी भी अब जा सकते हैं इससे मिलने के लिए, हर्मिस से इसकी वर्कशॉप पे। बढ़िया। तो क्वेस्ट कंप्लीटेड, मीट योर मार्कस। चलो, मल्टीपल क्वेस्ट एक्सेप्टेड। अभी काफी कुछ करना है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो आज के एपिसोड के लिए रखते इतना ही। तो आखिर आज हम पेरिफोनिस यानी कि यहाँ की क्वीन से मिल चुके हैं और हमने उसका एक टास्क भी किया है, प्लस जो उसकी एडवाइज़र है काटे वो हमारी मदद कर रही है पेरिफोनिस की पावर कम करने के लिए और अल्टीमेटली इस एलिजियम से बाहर निकलने के लिए। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अब फिर बढ़ाते हैं अपने फेट को आगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।